आज का मौजू घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती है। वो अमल जिससे तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। घर में दाखिल होते वक्त ये अमल करें, सुबह शाम ये तीन तस्बीहात करें, ज़बान पर इन अल्फाज का विर्द किया करें, फिर इंशाल्लाह ताला अपने हालात को बदलता देखें। औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी कीजिए, ज़बान पर अस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा कीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको मेरे चैनल पर हर किस्म के कुरानी वज़ाइब और तिब के नुस्खे मिलेंगे जो ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में काम आएंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब के लिए कमेंट्स करें। जज़ाकअल्लाह। भाई ने अपना मसला बयान किया है कि वो दियारे गैर में हैं, लेकिन तंगदस्ती गुर्बत जान नहीं छोड़ रही। कर्ज़ के अंबार लगे हुए हैं, पता नहीं क्या मसला है। मेरी आज की वीडियो ऐसे कई बहन भाइयों के लिए ख़ास है जो इन मसाइल का शिकार हैं। ये वजीफ़ा आपने लगातार करना है। एक तो घर में दाखिल होते वक्त, चाहे घर में कोई मौजूद हो या ना हो, सलाम करना है और एक बार सूरह इख़लास पढ़नी है। दूसरा, तीन तस्बीहात हैं। अगर कोई शख्स सुबह शाम ये तस्बीहात कर ले तो इसका रिज़ल्ट बहुत हैरत अंगेज़ है, बहुत बरकत मिलती हैं। एक तस्बीह तीसरा कलमा, एक तस्बीह दुरूद शरीफ, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पूरे यकीन कामिल के साथ करने वाला कभी बरकत और हैरत अंगेज़ नताई से महरूम नहीं रहता। इसके साथ या हकीमों, या हनानों, या अजीज़ों का वीर ज़बान पर जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला साल नहीं, महीनों नहीं, दिनों में आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, बरकतें हासिल होंगी, घर में बामी प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा, तंगदस्ती दूर होगी, कर्ज से निजात मिलेगी, रिस्क में कुशादगी हासिल होगी। अल्लाह ताला हमें अच्छी बात कहने और सुनने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। आप इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।